आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से शुक्रवार को बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भैया की धर्मपत्नी जयश्री ठाकुर ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज किया। शुक्रवार को अपने विधायक पति के साथ खंडवा जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहुंचकर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भरा। पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा घोषित हुए उम्मीदवार अरुण यादव सत्ता के मैदान में कमजोर नजर आ रहे, इसलिए उन्हें मैदान में उतरना पड़ रहा है। इस बीच उन्होंने चुटकी लेते हुए कांग्रेस से भी टिकट की मांग की और कहा कि अगर कांग्रेस उनकी धर्मपत्नी को टिकट देती है तो वह अपना निर्दलीय नामांकन वापस ले लेंगे। उसका हाँ, क्या मतलब है? वी फॉर विक्ट्री, एक जनता की जीत है। ये वी जो निशान है, जनता का निशान है, जनता जीताएगी, जनता का विक्ट्री साइन है। आज हमारे मुख्य हमारे कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का 15 मिनट बात हुई, CM साहब ने बुलाया है चर्चा करने के लिए चुनाव में। उनसे एक ही बात बोली कि आप उम्मीदवार बदलो, उम्मीदवार बहुत कमजोर है कांग्रेस का, इसलिए मैंने कांग्रेस से ही भरा है, निर्दलीय भरा है।